उमेश भैया, आप इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गौ तस्करी खासकर महासमुंद के सरायपाली और महासमुंद शहर के अंदर में गौवंश तस्करी भारी मात्रा में कई बार पकड़े, रिपोर्ट भी लिखा है, पर गौवंश तस्करी बंद नहीं हुई। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सरकार जो नई सरकार जो गौ गरुआ के नाम पे उनको बताने के लिए किस प्रकार तस्करी होती है, तस्करी को बंद करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। आपकी ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी और इसका क्या नाम दिया गया आपके द्वारा? ये पद यात्रा सरायपाली से रायपुर तक चलेगी। रायपुर में हमने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है मिलने का, और संभवतः वो हमसे मुलाकात करेंगे जहाँ तक जो हमारी जानकारी लगी है। और ये उद्देश्य यही है कि गौवंश तस्करी जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में, और फिर से पूरा बताऊंगा कि जिस प्रकार से महासमुंद में हो रही है, उसको कैसे भी करके बंद करना, क्योंकि एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो गौवंश तस्करी का जो व्यापार है छत्तीसगढ़ के सरायपाली सीमा में महासमुंद में पड़ रहा है। खाली मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे कि राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे? राज्यपाल महोदय तो है नहीं, हमारा प्रयास है मुख्यमंत्री महोदय से मिला जाए या विभागीय कोई जो जिम्मेदार अधिकारी हो उनसे मिला जाए और उनको सारी चीज़ें स्पष्ट से बताई जाए। अभी तक आपने गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन इसमें आपको कितनी सफलता मिली है और असफलताएं क्या हैं? गौवंश के हमने लगातार शहर में भी काम कर रहे हैं, अंतिम संस्कार इलाज सब चीज़ें कर रहे हैं, पर गौवंश तस्करी की 250 लगभग FIR हमने लगभग कराई है कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। उसमें कुछ में केस में सजा होगी, कुछ में लगातार चालू है, पर 250 केस नहीं, यहाँ पे उससे 100 गुना अधिक तस्करी हो रही है और ये पर्याप्त नहीं। लगातार जान से मारने की धमकी लगातार हर बार मिल रही है, और उन्होंने इस पदयात्रा में भी कहा है कि अगर पदयात्रा करोगे तो आपको जान से मार देंगे। आपके ऊपर कितना FIR दर्ज हुआ है और आप कितना अधिक? मेरे ऊपर उन्होंने झूठे FIR कम से 15 झूठी FIR करी है, जिसमें पुलिस भी साक्ष्य के साथ रही है, तो पुलिस ने हमेशा हमारे पक्ष भी रखा, नहीं हम तो उस समय मौजूद थे जो FIR करवाई है। एक बार तो 376 का आरोप लगाने का प्रयास किया तस्करों ने, पर चूंकि वहाँ पुलिस उपलब्ध थी तो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, पुलिस क्योंकि खुद वहाँ मेरे साथ पकड़ने गई थी तो आरोप लग नहीं पाया। नहीं तो पदयात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं? राजनीतिक उद्देश्य नहीं, हमने समस्त गौ सेवक परिवार के नाम से निकाली, कि संगठन के नाम से निकाला, क्योंकि संगठन नाम से लिखा हुआ तो संगठन बहुत सारी चीज़ें आती है, कोई वो बैनर का दूसरा नहीं पाता। हमने समस्त संगठन को आमंत्रित किया गौ सेवक परिवार के नाम से, इसके समय आइए, आप भी गौ सेवक है, हम भी गौ सेवक, सब मिलकर गौ तस्करी का विरोध करें। अगर मुख्यमंत्री द्वारा आपको संतोषजनक जवाब नहीं देंगे तो आगे आप क्या करेंगे? लगातार आंदोलन है, हम हर महीने आंदोलन करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जब तक वो जागेंगे ना, जब मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी इनको भ्रमित कर रहे हैं, खासकर पुलिस के आला अफसर गलत सूचना गौ सेवकों के बारे में उनको दे रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहा है कि CID जाँच करवाएं आप गौवंश तस्करी की और गौ सेवकों की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तस्करी का जो पैसा है वो कहाँ उपयोग होता है? गौवंश तस्करी का सारा पैसा धर्मांतरण, राष्ट्रद्रोह, आतंकवाद के लिए इकट्ठा होता है। NIA की रिपोर्ट है हरियाणा सरकार में, वहाँ के IG DG सार्वजनिक की, कि जितना भी गौवंश तस्करी का उसमें मांस चमड़ा ब्लड तक बिकता है, इस सारा पैसा 90% राष्ट्रद्रोह में लगता है, आतंकवादियों को सक्षम बनाने में लगता है। और दूसरी चीज़, जो गौवंश तस्करी करते हैं यहाँ के लोग, वो यहाँ पे 500-1000 रुपये में लेते हैं, वो गौवंश जब पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश पहुँचता है लाखों रुपये का हो जाता है। मतलब इतनी भारी कीमत तब उन लोग लड़ने में झगड़ने में वो नहीं करते, और गौ सेवकों पे लगातार फर्जी FIR अपने पैसे के बलबूते पे तस्कर करवाते हैं। प्रेरणा तो मेरे दादाजी थे गौ सेवक, घर में मेरे 200-150 लगभग गौवंश था, शुरू से रहा, गौपालक परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और भाजपा के एक सांसद हैं, अभी दमोह के हैं सांसद, बाद में पहले मेरे गुरु रहे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। अगर मैं छात्र जीवन में था तो मुझे कैसे क्या काम करना और कैसे करना, पदयात्राएं की बहुत सारी, तो उन्हीं से प्रेरणा मिली मेरे को। प्रहलाद पटेल जी हैं जिनको आज ही मैं प्रेरणा लेता हूँ, उन्हें संकल्प कर लेके काम करना सिखाया और उन्हीं की वजह से आज मैं कर पा रहा हूँ। महासमुंद जिले में जिस तरह से तस्करी बढ़ रही है और हजारों की संख्या में प्रतिदिन गौ तस्करी हो रही है, उसको रोकने के लिए महासमुंद जिले में पदयात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है, जिस पर हमारे प्रांतीय गौ सेवक और क्या बोलते हैं हमारे बड़े भैया उमेश बिसेन जी ने भरपूर सहयोग के साथ में पदयात्रा में अगुवाई की है। ये पदयात्रा कब से और कहां तक चलेगी? यह पदयात्रा 13 तारीख से शुरू होकर, सरायपाली से शुरू होकर रायपुर में समापन होगी 17 तारीख को, और ये पदयात्रा का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के समूल शहर नगर गांव में हो रही गौ तस्करी को रोकने का एक प्रयास है। अंत में क्या किया जाएगा पदयात्रा के अंत में? अंत में यह है कि शासन अगर अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागती है तो उसके लिए उग्र आंदोलन भी होगा, जैसा गौ सेवक कर सकें, और इसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से गौ सेवकों में एक उत्साह और चेतना जगे कि गौ तस्करी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने कहा आपके क्षेत्र में गौ बहुत अत्यधिक देखा जा रहा है, तो
तो विगत दिनों पिछले दिनों में आपने क्या क्या किया तो क्षेत्र में? लगभग महासमुंद जिले में 200 के लगभग FIR दर्ज किए हैं गौ सेवकों के द्वारा में, और 200 में लगभग कई जगहों पर सजा भी हुई है और कई जगहों पर केस चल रहा है, और हम चाहते हैं कि शासन इस पर गौ सेवकों को सहयोग करे, अच्छे सहयोग करे, ताकि पुलिस प्रशासन भी इस पर चेतना जगाए और गौ तस्करी रोका जाए। अगर शासन आपकी सहयोग नहीं करती है तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? अगर शासन नहीं करती है तो इस पर तो एक विशेष गंभीर मामला है कि शासन ध्यान नहीं देती है। जिस प्रकार से नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर सरकार पर आई कांग्रेस की सरकार, सत्ताधारी सरकार जो है, अगर गरवा की बात करती है, अगर गरवा की तस्करी रोकने पर नाकाम होती है तो यह सरकार की नाकामी है, न कि गौ सेवकों की नाकामी होगी। राज्य की सीमा में गौ तस्करी को कैसे अंजाम दिया जाता है? राज्य की सीमा पर स्लीपर सेल लोकल जो यहाँ के मजदूर भाई हैं, जिनको 200-400-500 की रोजी पर लेकर उनको सिर्फ उड़ीसा बॉर्डर, जो महासमुंद जिले के अधिकतम विकास खंड जो है, महासमुंद जिले का लगभग 15 किलोमीटर के अंतर्गत में जितने भी आती है नगर, वहाँ पर उड़ीसा सीमा लगी हुई है, उनसे 500 रुपये रोजी में लेकर उनको सीमा पार करवाया जाता है गौ वंशों को।